हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये प्रोजेक्ट बेसिकली उनके लिए है जिन्हें प्रोग्रामिंग की बेसिक्स आती हैं, बस बेसिक्स आती हैं और ना उनके पास टाइम है। तो मैं एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट को अपना तैयार कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में एक सैम्पल फाइल आपको दे दूंगा जिसके हेल्प से आप उसमें छोटी मोटी एडिटिंग कर अपना कोड और स्क्रीनशॉट्स वहां पर लगाकर अपना सबमिट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और आप पाओगे कि थोड़ी ही देर में आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करना मेरे साथ कोड करो। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा दूँ ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो ये इतने सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, सारे दो दो घंटे एक एक घंटे के हैं। तो जाकर आप इजीली इन टॉपिक्स पर बना सकते हो। अगर आपको एक नए टॉपिक पर बनाना है इसके अलावा, जैसे कि आज मैं बनाऊँगा क्रिकेट के ऊपर, मतलब इसमें हम लाइव क्रिकेट खेलेंगे, मतलब नॉर्मल प्रोजेक्ट ही होगा, इजी होगा बट अच्छा होगा, MySQL कनेक्टिविटी के साथ होगा, CUI बेस्ड होगा। तो चलते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको एक, मेरे को एक ब्लॉग दिखा, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा ये, मेरे को यहां पर एक ब्लॉग दिखा, मेरे को एक बहन ने सेंड किया था, बोली कि प्रोजेक्ट बनवाया था उसने इस टॉपिक पर, तो मेरे को ये अच्छा लगा, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप भी बना सकते हो बहुत इजीली, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे में या एक घंटे में आप बना लोगे। मेरे को हो सकता है यहाँ एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग जाए क्योंकि मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, बट नॉर्मली अगर आप खुद बनाएंगे तो बहुत इजीली बना लोगे क्योंकि सारा कोड यहाँ पर दे रखा है। बस इसे अपने पाइथन टेक्स्ट एडिटर के अंदर पेस्ट करना है और उसे MySQL के साथ कनेक्ट करना है और सेव कर देना, कुछ छोटे मोटे फंक्शंस परफॉर्म करा देंगे ताकि आपके स्कूल के अंदर इसे अलाउ कर दें, मतलब कॉपी करेंगे बट स्मार्टली। ठीक, तो यहाँ पर एक कॉपी का ऑप्शन है, कॉपी कर लिया हमने, आप भी कर लेना यहाँ पर कॉपी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मानता हूँ मैं कॉपी करा रहा हूँ बट ये प्रोजेक्ट उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट वगैरह की तैयारी करते हैं तो टाइम नहीं होता है यार, लेकिन ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स निकालो बन जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं उस प्रोजेक्ट की वर्किंग दिखाऊँ तो वर्किंग दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ आए कि हम बनाने के वाले हैं। राइट क्लिक किया, ये विंडो 11 है तो यहाँ पर एडिट विद आइडियली यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही ओपन होगा तो ये कोड है आपका, कोड भी अच्छा खासा, ऐसा नहीं छोटा मोटा है लेकिन बहुत जल्दी बन जाएगा यार क्योंकि मैक्सिमम कोड तो वहीं से कॉपी किया हुआ है, बस अपनी छोटी मोटी चीज़ें ऐड की हैं ताकि प्रोजेक्ट ऐसा ना लगे सिर्फ उठाया गया है। ठीक, तो ये शॉर्टकट था। अगर आप शॉर्टकट से बनाना चाहते हो तो इसे बना लो, अगर आपको पूरा खुद कोड करना है तो बाकी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल पर, तो उससे देखकर बना लो। अगर नहीं बनाना तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप बाय कर सकते हो मेरे से। ठीक, अगर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करते ही यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज आ रहा है, वेलकम टू क्रिकेट गेम। ठीक, तो ये क्रिकेट गेम है, ये एक मैनेजमेंट प्रोग्राम नहीं है, ये क्रिकेट गेम है। मैनेजमेंट के अंदर मतलब मैनेज कर रहे होते हैं बट यहाँ पर हम गेम खेलेंगे, जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे बुक्स के साथ खेलते हैं कि 1 और 2 इतने रन हो गए, इस ये वाला पेज नंबर है तो इतने रन हो गए, इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं, अगर हम इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इस गेम के इंस्ट्रक्शंस है, कुछ 2 पर क्लिक करते हैं तो ये गेम किस तरह खेला जाएगा, इसके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। हमें 1 से लेकर 6 तक कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर भी हमारे साथ एक नंबर सेलेक्ट करेगा 1 से लेकर 6 के बीच में, मतलब एक बॉलर होता है एक बैटर होगा, तो एक टाइम पर आप कंप्यूटर के साथ खेल लोगे तो कंप्यूटर बैटर होगा या फिर आप बैटर होगे या और दूसरा वाला बॉलर होगा। ठीक है, तो बॉलर और बैटर में दोनों नंबर ही सेलेक्ट कर रहे होंगे, अगर नंबर सेम आएगा, अगर मान लो कंप्यूटर का नंबर और आपने जो सेलेक्ट किया नंबर वो नंबर सेम आया तो आपका हो जाएगा विकेट। ठीक है, आपका विकेट आउट हो जाओगे आप। अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब कि आपका नंबर मिसमैच कर गया, तो अगर आप बैटिंग कर रहे हो, अगर आप बैटिंग कर रहे हो उस टाइम पर स्टार्टिंग में टॉस होगा। ठीक है, अगर आप बैटिंग कर रहे हो और नंबर कंप्यूटर का और आपका अलग है, मान लो आपने आपका 4 आया और कंप्यूटर ने चूज किया उसका 6 था तो मिसमैच हो गया, तो मिसमैच होते जो आपका 4 आया था वो आपका स्कोर हो जाएगा, समझा। इतना छोटा सा रूल है, तो इस रूल के साथ हम एक अच्छा खासा मतलब मजेदार एक गेम बना सकते हैं बच्चों के लिए, तो बनाते हैं ये रहा। तो 2 विकेट्स 2 ओवर्स, यहाँ पर ओवर्स भी आप मैनेज कर सकते हो, मैंने वहाँ पर कर रखा है। ओवर्स के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल जो ओवर लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ आपका ओवर लिखा हुआ है उसे नंबर ऑफ ओवर्स से मतलब कन्वर्ट कर देना, नंबर ऑफ ओवर्स 1 ओवर इक्वल टू 6 बॉल्स, वो मैं सब सिखा दूंगा। ठीक है, तो अगर लॉगिन की बात करें तो यहाँ जैसे हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये हमसे पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड कहाँ है,
अपने SQL डेटाबेस के अंदर चलते हैं, तो यहां आप देखोगे एक डेटाबेस है क्रिकेट डीबी के नाम से, जिसके अंदर तीन टेबल हैं, क्रिकेट लॉगिन और SNO, क्रिकेट लॉगिन SNO। तो यहां अगर हम लॉगिन का देखें तो लॉगिन के अंदर हमने डेटा सेव कर रखा है, ये डेटा भी हम पाइथन फाइल के थ्रू सेव करेंगे, बताऊंगा। यहां पर एक आईडी है जिसके अंदर हमने डेटा सेव करा, ये आईडी हमें ये आईडी लाने का काम कर रही है, यहां पर भी 3 है और यहां पर भी मैक्स 3 है, यहां का जो मैक्स नंबर होगा वो हमेशा यही रहने वाला, तो ये एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करने का काम करेगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जो मैं यूज करता हूं, आप भी यूज कर सकते हो मेरे साथ कोड करोगे तो, ठीक। अब ये एक और टेबल है क्रिकेट के नाम से, यहां पर हमारा सारा डेटा हारने का जीतने का किस दिन खेलेंगे, सबसे पहले ये गेम एनजी ने खेला, मतलब मैं ही खेला था यार टेस्टिंग के टाइम पर, तो स्टार्टिंग में 15 रन में हार गया, फिर खेला फिर 4 रन फिर हार गया, फिर 15 रन फिर हार गया, मतलब ऐसा नहीं हारेंगे जीतेंगे, जब जीतेंगे तो यहाँ पर विन लिखा हुआ आएगा, जब हारेंगे तो यहाँ लूज लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो आई होप कितना समझ आएगा, चलते हैं। यकीन मानो बहुत इजीली बन जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन जितनी करनी होगी उतनी तो करनी होगी, देखो थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। अब हलवा हर चीज़ नहीं होती, खाना है तो थोड़ा सा कम से कम ठंडा जो हलवा है उसे गर्म तो करना पड़ेगा ना खाने से पहले, मम्मा बना गई आपकी लेकिन गर्म तो आपको करना पड़ेगा, बस इतनी मेहनत लगेगी, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन चेक कर, यहाँ पर पासवर्ड डाला, तो पासवर्ड में मान लो मैंने जो भी सेव कर रखा है, मैं आपको दिखाऊँ क्या पासवर्ड है, यहाँ पर पासवर्ड है 1234, तो यही डाल देंगे। अगर मान लो मैं कुछ और डालता हूँ, या फिर चलो वही डाल दिया मैंने, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, पीयूष टाइप कर दिया और एंटर करके नंबर ऑफ ओवर्स, तो ये चीज़ आप करना चाहो कर लो, नहीं करना चाहो मत करो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है 2 ओवर्स के लिए फिक्स है, बट अगर आप करना चाहो तो नंबर ऑफ ओवर्स कर आप इसमें नंबर ऑफ ओवर मल्टीप्लाई बाय 6 करके उसे नंबर ऑफ ओवर को चेंज कर देना, जहां जहां 2 होगा वहां वहां उसे नंबर ऑफ ओवर्स वाले वेरिएबल से बदल देना, मैं बता दूंगा। चलो नंबर ऑफ ओवर्स की अगर बात करें तो यहां पर हम 1 ओवर रखते हैं सिर्फ, 1 एंटर किया, तो अब टॉस होगा, तो टॉस करने पर 1 या 2 चूज करने के लिए बोला, हमने 1 चूज कर लिया, तो यहां पर हियर कम्स अ टॉस, मैं यहाँ पर टॉस हार गया, तो कंप्यूटर ने बॉलिंग करना चुना, तो पहले बैटिंग मैं कर रहा हूँ, तो बैटिंग कर रहा हूँ, तो सिंपल सा बच्चों के लिए गेम है यार, और अच्छा काम कर रहा है ये, जैसे 1 दबाया 2 दबाया, तो ये देखो क्या हो रहा है, जैसे ही 1 दबाया कंप्यूटर ने 5 दबाया तो मिसमैच हो गया, तो ये मेरा 1 था, ये मेरा स्कोर में ऐड हो गया है, रिमेनिंग बॉल बची 5, तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पर हमने दबाया 2 और कंप्यूटर ने दबाया 3, तो ये 3 हमारा स्कोर में ऐड हो जाएगा, स्कोर 3 और रिमेनिंग बॉल हो गई 4, ठीक है। और फिर से अगर मैं कुछ दबाऊंगा जैसे कि 4, तो ये हमारा 4 मैच कर गया, तो यहां पर एक विकेट हो गया है, रिमेनिंग बॉल है 3, 5, तो यहां पर स्कोर हो गया 8 और विकेट है 1। उसी तरह अगर मैं कुछ और दबा देता हूं 1, तो यहां पर एंड में हमारा रन हो गया 10 और विकेट है 1, और कंप्यूटर को 11 रन चाहिए जीतने के लिए, तो इसे मैं अब खेल लेता हूं, बड़ा मजा आ रहा है मुझे, तो 1 दबाया 2 दबाया 3 दबाया, मतलब इस तरह यहां पर देखो जैसे ही हमने करा तो 4 रन चाहिए थे, तो 4 रन के बाद में यहां पर हमने 3 दबाया, कंप्यूटर ने 5 दबाया, तो यहां पर कंप्यूटर बैट कर रहा था, तो कंप्यूटर का 5 यहां पर ऐड हो गया, यहां पर ऐड हो गया, तो ये जीत गया। ठीक है, 7 + 5 = 12, तो यहां पर ये जीत गया है, तो जीतने के बाद रन हो गए 12, विकेट है 0, तो ये रिजल्ट यहां पर आ गया, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, द कंप्यूटर वॉन द मैच बाय 2 विकेट्स, डू यू वांट टू प्ले अगेन, अगर हम यस कर देंगे तो ये गेम दोबारा चालू हो जाएगा, हम यहां पर दबाएंगे एन, तो एन करते ही हम बाहर आ चुके हैं, और अगर डेटा देखें अपना तो 3 के अंदर डेटा देखेंगे तो यहां पर पीयूष वाला डेटा भी ऐड हो गया है, और ये सिर्फ यहां नहीं ऐड हुआ है, ये हमारा यहां पर भी ऐड हो गया होगा क्रिकेट, तो ये यहां पर भी ऐड हो गया, तो ये सारी चीजें हम बहुत आराम से करेंगे। अगर आपको वीडियो फास्ट लगे तो स्लो कर लेना, स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, ठीक, क्योंकि ये वीडियो सभी के लिए है, और YouTube के अंदर आपका फास्ट और स्लो का ऑप्शन है, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। माना मैंने अभी कोड करना स्टार्ट नहीं किया, बट ये चीज समझनी जरूरी है, इसलिए आपको समझा रहा हूं, ठीक। तो यहां पर ये एग्जिट हो गया, तो यही ये प्रोग्राम आपको यही बनाना है, इसमें से कितना कोड आपको करना पड़ेगा, यहां पर जो लॉगिन के अंदर गेम खेला जा रहा है इसका कोड हमारे पास है, बाकी इस सब का कोड आपको करना है, और ये बहुत इजी है, मैं करूंगा तो मेरे साथ कर लेना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको यहां पर क्रोम में जाना है, मतलब डिस्क्रिप्शन चेक करना है,
डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वाले पेज को ऑन कर लेना है और इस वाले पेज को ऑन करके रखना है। और उसके बाद एक पाइथन फाइल बनानी है। पाइथन फाइल बनाने के बाद में सबसे पहले आपको MySQL कनेक्टर इंस्टॉल करना है। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि किस तरह लिंक होता है, या फिर क्रोम पर सर्च कर लेना पिप कमांड के थ्रू, यूट्यूब पर सर्च कर लेना हाउ टू इंस्टॉल पाइथन MySQL कनेक्टर यूजिंग CMD। ठीक, तो वो आपको कोई भी एक वीडियो मिल जाएगी, उसके थ्रू इंस्टॉल कर लेना पाइथन MySQL कनेक्टर, जो पाइथन और MySQL को जोड़ता है बीच में एक कनेक्टर। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं। दोबारा बोल देता हूँ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है पाइथन सॉफ्टवेयर होना चाहिए, MySQL का सॉफ्टवेयर होना चाहिए और पाइथन MySQL को कनेक्ट करने के लिए एक जो कनेक्टर होता है वो होना चाहिए, और उसे हम यहाँ पर CMD के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक, अगर आपको उसका कोड देखना है तो वो भी चलो मैं दिखा देता हूँ, वो मेरे को पता है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ हाउ टू इंस्टॉल पाइथन MySQL कनेक्टर यूजिंग CMD। टाइप कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह, अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको एक कमांड मिल जाएगी, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लेना, पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर पाइथन। तो इस कोड को यहाँ से आप कॉपी कर लेना, विंडो प्रेस करना, CMD टाइप करना। देखो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं। CMD पे जाना, और CMD पे जैसे ही आप जाओगे, जाने के बाद में आपको ये चीज़ पेस्ट कर देनी है। कैसे पेस्ट करोगे, राइट क्लिक करना, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक, तो जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये यहाँ पर इंस्टॉल करना चालू कर देगा, बट मेरे में MySQL कनेक्टर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मेरे को ये शो कर देगा रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा, क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। फिर से बताऊंगा, पाइथन चाहिए, MySQL चाहिए और पाइथन MySQL कनेक्टर चाहिए। MySQL इंस्टॉल करने के लिए आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी हाउ टू इंस्टॉल MySQL, मेरा वाला वर्जन कर लेना, उसमें एरर सबसे कम आते हैं, मुझे सबसे कम एरर्स देखने को मिलते हैं मेरे वाले वर्जन में। माई और पाइथन आप नॉर्मल जो भी यूज़ करना चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा कनेक्टर मैंने आपको बता दिया। तो कोड करना स्टार्ट कर लेते हैं, ये रहा, इन टैब्स को कर देते हैं क्लोज, और ये रहा यहाँ पर, अपने पाइथन फाइल के अंदर चलते हैं। इस फाइल की मदद से हमें बनाना है, पहले इसे रन कर लेते हैं तो ताकि हमें मालूम पड़े। रन करने से पहले भी एक चीज़ हमें करनी है, रुको, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बस यहाँ क्या करेंगे, कॉपी के साथ पेस्ट कर देंगे तो एक और फाइल बन गई। तो इसे हम बनाएंगे क्रिकेट वीडियो। ठीक, तो यहां पर इसे राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, शो मोर ऑप्शंस, एड विद IDLE। ठीक है, तो ये है जहां पर हम कोड करेंगे, बट एक और था जिसकी वर्किंग देखकर हमें कोड करना है, वो ये वाला था, इसे भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर इसे रन कर लेते हैं और हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, तो इसे मिनिमाइज कर देते हैं, और जो कॉपी वाला है उसके अंदर हम काम करेंगे, ये रहा वीडियो वाला, इसके अंदर काम करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको एज इट इज़ लिख देनी है वो बता देता हूँ। इस लाइन को इंपोर्ट रैंडम, इस लाइन को इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, और उसके अलावा ये और ये, इसे तो आप लिख दीजिए, इसमें समझाने वाला कोई चीज़ नहीं है, ये एज इट इज लिखी जाएगी। होस्ट आपका सबका सेम रहता है लोकल होस्ट, यूजर आपका सबका सेम रहता है रूट, और पासवर्ड जो आपका MySQL का पासवर्ड होता है। अब ये कौन सा होता है, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो चलो ये भी बता देता हूँ। प्लीज जिसे पता है वो फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, मेरे को सबके लिए बताना है तो मुझे थोड़ी सी ये बातें बताकर चलनी पड़ रही हैं, ताकि किसी को भी दिक्कत ना बने। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम MySQL टाइप करते हैं, तो जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जो पासवर्ड मांगेगा ना 1234, तो यही है मेरा पासवर्ड, यही पासवर्ड हमें टाइप करना है, कहाँ पर, यहाँ पर, तो यही वाला पासवर्ड आएगा। ठीक, तो यही वाला पासवर्ड है जो हमें यहाँ पर टाइप करना है। मैं इसके थोड़ा साइज बढ़ा लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। डेटाबेस ऑन कर लेता हूँ, इसकी टेबल्स, ये नहीं इसकी टेबल्स। अगर अब पहले क्या करेंगे, DESC क्रिकेट,
तो इसकी डिस्क्रिप्शन की हमें जरूरत पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों पड़ेगी। इसके अलावा जितना भी कोड है सब हम डिलीट कर देते हैं, सारा आपके सामने कोड करेंगे। ये सारी चीज कैसे होंगी मजा आएगा बनाने में, यकीन मानिए। सारा सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके कर देंगे डिलीट, सारा अभी कोड करेंगे हम। ठीक, तो ये पूरा हम अभी अभी कोड करने वाले हैं, स्टार्ट करते हैं। इतना कोड कर लिया। देखो यार, मैं अब भी कहूँगा मेरे साथ कोड करो, अच्छा बन जाएगा, यकीन मानो आपके स्कूल में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। और कम से कम टाइम में, इतने कम टाइम में ये शॉर्टकट्स का कोई नहीं बताएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको हेल्प के लिए एक फाइल मिल जाएगी जिसमें आप अपना कोड और स्क्रीनशॉट लगा लेना। यहाँ पर आपको कोड करना बता रहा हूँ, तो यार जान लोगे क्या बच्चे की, बना रहा हूँ ना, नहीं बने तो उसके लिए भी जब साम दाम दंड में सब लगा लो, हर तरफ ट्राई कर लो और बन ना पाए, पूरा मेरी जितनी वीडियोस हैं उनकी हेल्प ले लेना, सारे प्रोजेक्ट्स की, बहुत इजी से लेके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तब भी ना बन पाए डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना, बाय कर सकते हो, और कोई ऑप्शन हो तो उसे प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वरना मैं सिखा रहा हूँ, बना लो। ठीक, माई कर्सर इक्वल टू माई डीबी डॉट कर्सर, इतना हो गया। इसके बाद में जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है डेटाबेस को क्रिएट करना। हमारे डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा था, क्रिकेट अंडरस्कोर डीबी, यहां पर कुछ और रख लेते हैं, माईकर्सर डॉट एग्जीक्यूट। ये लाइन हमारी MySQL की जो कोड होते हैं उन्हें रन करने के लिए काम आती है। इतना लिखा इन्वर्टेड कॉमास, माईकर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट डेटाबेस इफ नॉट एग्जिस्ट। मैं काफ़ी टाइम के बाद कोड कर रहा हूँ तो हो सकता है, प्रोजेक्ट को काफ़ी टाइम के बाद कोड कर रहा हूँ तो हो सकता है कुछ एरर्स आए, बट एरर्स क्लियर भी करेंगे हम। इफ नॉट एग्जिस्ट क्रिकेट अंडरस्कोर डीबी टू, ये नाम रख लेते हैं। ठीक है, अब इसी को यूज भी कर लेंगे, माईकर्सर डॉट एग्जीक्यूट यूज क्रिकेट अंडरस्कोर डीबी टू, ये हमने यूज़ कर लिया। अगर यूज़ नहीं करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एरर देगा, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटाबेस बना, तो डेटाबेस बनाने के बाद हम बनाएंगे टेबल्स, तो इन तीनों टेबल्स को बना लेते हैं। और ये टेबल्स की डिस्क्रिप्शन ये रही, क्रिकेट वाले की डिस्क्रिप्शन है ये, तो इसको देख कर हम बना लेंगे। सबसे पहले वही लाइन, माईकर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, यहां पर आएगा टेबल का नाम, क्या नाम है, क्रिकेट। ठीक, अब यहां पर फील्ड नेम, अब आपको अगर क्रिएट टेबल की क्वेरी नहीं आती तो यार आपको वो सीखनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता उस चीज में, उसके लिए भी आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने सिखा रखी है सारी चीजें बहुत अच्छे से, तो उसे आप देख सकते हो MySQL की प्लेलिस्ट को, ये क्वेरीज तो आपको सीखनी पड़ेंगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये हो गया टेबल का नाम, और यहाँ पर हम लिख देंगे फील्ड नेम और उसका डेटा टाइप SNO int not null, SNO int not null। तो यार पहले तो आप ये देखो, बहुत मेहनत लगती है, अगर आपको समझ आए, आपका प्रोजेक्ट बन जाए तो लाइक जरूर करना, लेकिन आप प्रोजेक्ट बन जाए तो लाइक करना, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर कोई दिक्कत लगे तो बिल्कुल लाइक मत करना, डिसलाइक कर देना। और मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगे, अगर आपको लगे कि हाँ मेरे एफर्ट्स अच्छे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में, मतलब कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप मेरे को कॉम्प्लीमेंट दोगे तो मैं रिप्लाई करता हूँ। ठीक, तो क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट क्रिकेट SNO int not null। उसके अलावा दूसरी वाली, उसका नाम क्या है, डेट, डेटा टाइप डेट, डेट डेटा टाइप डेट नॉट नल। तीसरी फील्ड क्या है, नेम वेरका 25 और नॉट नल, ये नो का मतलब नॉट नल, नेम वेरका 25 नॉट नल। ये साइज काफी है क्या, मतलब छोटा तो नहीं है, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके देखूं, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, 22, चलो वैसे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ज्यादा बड़ा हो जाएगा आपका कोड में कंफ्यूजन हो जाएगा, थोड़ा छोटा ही कर देता हूं। ठीक है,
20, ठीक, आपको कोड में कन्फ्यूजन होने लगेगा, नहीं तो इतना साइज बहुत है, ठीक। नेम वेयर का 25 नॉट नल, उसके बाद क्या था, रन, मतलब कितने रन्स हैं, रन्स इंट नॉट नल, रन नॉट नल, ठीक है। और यहां आ गया स्टेटस वेयर का 25 नॉट नल, नॉट नल, सारी चीजें हो गई, ठीक है, हो गई। एक और टेबल बननी है, मतलब दो और टेबल बननी है, कौन कौन सी, लॉगिन और एसएनओ, तो डीईएससी लॉगिन, यूजर नेम और पासवर्ड इसके फील्ड्स हैं, तो बना लेते हैं माइकर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, पहले कौन सी बनाए, लॉगिन वाली बना लेते हैं, लॉगिन, फील्ड्स के नेम है यूजर नेम और पासवर्ड, और यहां पर टाइप है वेरकेर, वेरकेर नॉट नल, ठीक है। यूजर नेम वेरकेर 25 नॉट नल, पासवर्ड वेरकेर 25 नॉट नल, ठीक है। तो ये दूसरी टेबल बन गई, अब यहां पर इसी तरह हम तीसरी टेबल बना लेंगे, तीसरा क्या था, एसएनओ, सॉरी उप्स, एसएनओ, तो इसके अंदर सिर्फ एक फील्ड है आईडी इंट नॉट नल, वही सेम लाइन वापस रिपीट करते हैं, माइकर्स डॉट एग्जीक्यूट क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट एसएनओ, हो सकता है मेरे से टाइपिंग में कोई एरर आ सकती है, क्यों, क्योंकि मैं एक तो तेज टाइप कर रहा हूँ, काफी दिनों बाद टाइप कर रहा हूँ, तो एरर से आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे हम रिजॉल्व करना वो बड़ी बात होती है, तो वो रिजॉल्व मैं कर दूंगा, मुझे पता है, ठीक ठीक है। तो यहां पर अगर एसएनओ की बात करें तो आईडी इंट नॉट नल, आईडी इंट नॉट नल, ठीक है, तो ये हो गया। यहां हमने तीन डेटाबेस बनाए, तो तीन डेटाबेस बनाने के बाद में हम कमिट करना पड़ेगा mydb. कमिट, हमने कमिट कर दिया, ठीक है। तो कमिट करने के बाद में पहले इसे रन करके देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि अगर दिक्कत होगी तो हमें मालूम पड़ जाए, ये रहा। वाओ, तो हमारा डेटाबेस आराम से रन कर गया, इसका मतलब हमारे जो तीनों टेबल्स हैं वो अच्छे से बन गई हैं। आप चेक कर लो, अब कैसे चेक करोगे, MySQL के अंदर जाओगे और जाने के बाद यूज डेटाबेस चेंज करोगे, तो यूज कौन सा, क्रिकेट अंडरस्कोर डीबी टू शो टेबल्स, बन गई तीनों टेबल, ठीक है, बन गई होंगी। अब मैं इसे चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वापस चलते हैं अपने पुराने वाले टेबल पे, यूज क्रिकेट अंडरस्कोर डीबी, ठीक। तो ये सारी टेबल्स हमने बना ली हैं, अब टेबल के अंदर कुछ डेटा है उसे इंसर्ट कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहां पर लॉग इन टेबल की, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, अगर हम लॉगिन टेबल की बात करें तो यहाँ पर कुछ डेटा है जो कि है एडमिन और 1234, और ये डेटा इंसर्ट होता है जब हमारा पाइथन फाइल सबसे फर्स्ट टाइम रन होती है, मतलब सिर्फ एक बार इंसर्ट होगा, ऐसा नहीं है बार बार इंसर्ट होता रहेगा, नहीं। और अगर हम कोई प्रॉपर्टी लगाते हैं तो वहाँ पर वो एरर देगा, हमें एरर भी नहीं चाहिए और ऐसा भी नहीं चाहिए, तो हम एक ट्रिक यूज़ कर लेंगे ताकि वो एक ही बार यूज़ हो। तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि हमारे टेबल के अंदर अगर कोई एंट्री नहीं है, मतलब अगर सबसे पहले बनाएंगे तो हमारा टेबल क्या होगी, एम्प्टी होगी स्टार्टिंग में। तो हम चेक कर लेंगे, अगर हमारी टेबल एम्प्टी है, खाली है, तो डेटा इंसर्ट करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे। तो यही चीज कैसे करेंगे देख लेते हैं, हम क्या करेंगे, यहां पर डेटा इंसर्ट करना है। डेटा इंसर्ट करने से पहले हमें यह चेक करना है कि उसके अंदर कुछ है या नहीं, तो माई कर्सर एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एसएनओ, अगर हम एसएनओ की बात करें तो एसएनओ के अंदर से सारा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहां पर एक वेरिएबल लेंगे x = 0, ठीक है,
फॉर आई इन एस एन ओ माई कर्सर। स्क्रॉल कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है, फॉर आई इन माई कर्सर। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, हमने सबसे पहले यहां पर क्या किया है, इसमें SNO के अंदर से सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि स्टार्टिंग में टेबल हमारी एम्प्टी होगी, तो जो हमारा माइक कर्सर है, माइक कर्सर, ये माइक कर्सर, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा, खाली होगी, एम्प्टी होगी, ठीक है। तो ये हमारी टूपल रिटर्न करता है, तो टूपल के अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी, ये कुछ ऐसा होगा फॉर आई इन, अगर हमारा क्या है, कोई हमारी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है कोई भी strING, कोई भी एक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग है एम्प्टी, और हम क्या करेंगे फॉर आई इन स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ये लूप हमारा चलेगा ही नहीं। तो उसी तरह सिमिलरली, उसी तरह क्या होगा फॉर आई इन माई कर्सर, उसी तरह अगर आई हमारा माई कर्सर के अंदर होगा तो क्या होगा, माई कर्सर के अंदर होगा, अगर अंदर आया मतलब प्रोग्राम अगर चला, अगर लूप हमारा रन किया, लूप हमारा रन किया, इसका मतलब हमारे टेबल के अंदर कोई ना कोई डेटा है, मतलब कि हमारी जो स्ट्रिंग है, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर कोई ना कोई डेटा है, ठीक है, चाहे एक ही क्यों ना हो, तो इसका मतलब कि डेटा हमारा पुराना उसमें ऑलरेडी है, ठीक है, इसके अंदर आएगा तो एक्स की वैल्यू को हम अपडेट कर देंगे 1, ठीक है। अगर हमारी टेबल एम्प्टी है तो क्या होगा, यहां पर भी एक्स की वैल्यू होगी 0, ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 होगी, तो यही चीज चेक कर देंगे, इफ एक्स इक्वल टू 0, अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो मतलब कि एक्स की वैल्यू कब 0 होगी, जब ये वाला कर्सर हमारा काम नहीं करेगा, ये वाला लूप हमारा वर्क नहीं करेगा, और ये वाला लूप हमारा कब वर्क नहीं करेगा, जब एक्स हमारा, मतलब जब एक्स की वैल्यू हमारी अपडेट नहीं होगी, और एक्स मतलब ये वाला लूप हमारा तब वर्क नहीं करेगा जब हमारा माई कर्सर एम्प्टी होगा, और माई कर्सर तब एम्प्टी होगा जब इस टेबल के अंदर कुछ नहीं होगा, सीधा सा लॉजिक है, ठीक। अब यहां क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम इंसर्ट कर देंगे माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू एसएनओ वैल्यूज, इस कंडीशन में यहां पर हम इंसर्ट कर देंगे इंसर्ट इनटू एसएनओ वैल्यूज, तो यहां पर हम इंसर्ट कर देंगे, मैं जल्दी करने की कोशिश करता हूं क्योंकि अराउंड 28 मिनट्स के अराउंड हो चुके हैं, तो एसएनओ वैल्यूज के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, क्या इंसर्ट करेंगे, नॉर्मल हमें स्टार्टिंग में वैल्यू चाहिए 1, तो इसे हम यूज करेंगे और इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे, तो यहां हो गया 1, और जैसे ही इंक्रीमेंट करेंगे माई डी बी डॉट कमिट, मतलब वैल्यू को सेव कर देंगे। और सिमिलरली हम इसी तरह से जो हमारी लॉगिन टेबल है इस वैल्यू को भी यूज कर लेंगे, तो देखो जैसे मैंने वो किया बिल्कुल उसी तरह हम लॉगिन वाले को भी कर लेंगे, माई कर्सर एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन फॉर आई इन माई कर्सर। तो माई कर्सर के अंदर जाने से पहले हमें एक्स की वैल्यू, हमें नहीं पता लास्ट टाइम पे वैल्यू अपडेट हुई या नहीं, हमें नहीं पता एक्स की वैल्यू अपडेट हुई या नहीं, तो हम वापस 0 रख लेते हैं उसे, क्योंकि हमें आगे तो कोई आगे यूज पड़ेगा, तो हम उसे वापस वही रख लेते हैं, यही सेम पोजिशन, यही सेम चीज करेंगे, यही सेम चीज रिपीट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 फॉर आई इन माई कर्सर, एक्स की वैल्यू कर देंगे 1, और यहां चेक कर लेंगे इफ एक्स इक्वल टू 0 माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज, मतलब आपका माई कर्सर के, अरे यार लॉगिन जो टेबल है ना इसके अंदर डेटा इंसर्ट करना है, तो डेटा क्या होगा मैं आपको दिखा देता हूं, आप चाहे तो कुछ और डेटा भी कर सकते हो, मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा एडमिन और 1234। अब क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो हमारा डेटा स्ट्रिंग का जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, तो दो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाकर इस टाइप से, अब इसके अंदर कोई भी डेटा हम डाल देते हैं जैसे कि एडमिन, और यहां पासवर्ड या तो 1234 लग गया, याद रख दो, चलो मैं रख लेता हूं एनजी, इसका तो अलग रख लिया, ठीक, और इसी तरह माई डी बी डॉट कमिट कमिट कर दिया, और कमिट करने के बाद में हमारा ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया, हमने डेटाबेस बना लिया, और डेटाबेस बनाने के बाद में हमने जो नॉर्मल बेसिक इनपुट्स थे वो कर लिए,
अब बेसिक इनपुट करने के बाद में अब क्योंकि हमारा प्रोग्राम चलेगा जो कि इनफाइनाइट लूप के अंदर वर्क करेगा, तो हमने व्हाइल ट्रू लगा लिया। व्हाइल ट्रू लगाने के बाद में आप यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, इतना तो ऑलरेडी हमारे पास प्रिंट होकर आ रहा है, हमें ज़रूरत है इसकी। कॉपी किया, स्टार्टिंग में जैसे ही रन होगा ये आएगा। अब ये नॉर्मली तो आएगा नहीं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आएगा। क्या करते हैं, प्रिंट डबल इन्वर्टेड कॉमा 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 डबल इन्वर्टेड कॉमा। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ यार, इतना बेसिक से कोई नहीं सिखाता, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इस टाइप से इसे कर लिया, और इतना करने के बाद में ये हमारा शो होना चालू हो जाएगा। आप चाहो तो रन करके देख लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हो मैं रन करके देखूँ तो मैं रन कर लेता हूँ। तो उसमें मैं पहले ही बात बता देता हूँ, ये चीज़ हमारी बार बार प्रिंट होकर आएगी। चलो मैं यहाँ पर ब्रेक भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, तो अगर कोई दिक्कत होगी हमारे प्रोग्राम में तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो चल जाएगा। ये हमारा परफेक्टली रन हो गया, मतलब डेटा हमारा इंसर्ट हो गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। ठीक, अब इतना होते ही हमें क्या करना है ये इस प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं। ऑप्शन देना है हमें, मतलब उससे पूछना है कि हमें क्या यूज़ करना है, एंटर योर चॉइस। तो यही हम पूछ लेते हैं यहाँ पर, सी एच इक्वल टू इनपुट, और ये इनपुट किस में होगा, इंट में होगा, इनपुट एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस। अब हमारा जो इनपुट हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1, 2, 3 या 4, इनमें से कुछ भी होगा, 1, 2, 3 या 4 इनमें से कोई इनपुट होगा, और कोई इनपुट होगा नहीं। तो इसी इनपुट को हम कर लेंगे यूज, क्या करेंगे देखो दिखाता हूँ। यहाँ क्या करेंगे, इफ सी एच इक्वल टू 1, अगर हमारा सी एच 1 होगा तो उस कंडीशन में लॉग इन हो रहा होगा, और क्या होगा, एल इफ सी एच इक्वल टू 2, एल इफ सी एच इक्वल टू 3, एल इफ सी एच इक्वल टू 4, यही तो होगा। अब सी एच इक्वल टू 4 का एग्जिट है, तो कॉमन सी बात है, ब्रेक होना है बस, और कुछ नहीं होना। अब ये सारे काम हम करने हैं, तो हम इस काम को अंजाम दे देंगे, बहुत इजी है। ज़्यादा देखो मैंने कितना इजी करके बता रहा हूँ यार, सारी चीज़ें मैंने नॉर्मल कर लिया। और हाँ, इंडेंट का बहुत ज़रूर से ध्यान रखना, ये जो होती है ना स्पेस, इसका ये इसे बोलते हैं इंडेंट, इसका बहुत ज़रूर से ख्याल रखना है आपको। अगर इसका ख्याल नहीं रखोगे तो आप चाह कर भी उस एरर को मतलब हटा नहीं पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो टाइम टाइम पर रन कर लेना, सेक्शन वाइज रन करते रहना, ताकि आपको ज़्यादा एरर्स फेस ना करनी पड़े। अब एरर्स हैं वो तो आएंगी, ट्राई करना पड़ेगा, एरर्स क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर चलते हैं, लॉगिन वाले, और लॉगिन वाले ऑप्शन के अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी अपने उस ब्लॉक की जो हमने देखा था। यहाँ पर हमें यहाँ से इम्पोर्ट रैंडम से कॉपी करना है, या फिर यहाँ से गेम स्टार्ट से कॉपी कर लेते हैं, ऐसे भी छोड़िए हम यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, क्लिक करा, कॉपी हो जाएगा, और कॉपी करने के बाद में यहाँ आकर पेस्ट कर दिया। यहाँ आकर पेस्ट कर दिया है, और ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं चाहिए अभी, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस ये हमें बाद में चाहिए, तो इसे अब डिलीट कर देते हैं, ये अभी हमें नहीं चाहिए। अब यहाँ पर टैब देखो, एक चीज़ और देखो, ये चीज़ क्या है, बिल्कुल जीरो इंडेक्स से चालू हो रहा है, जीरो इंडेक्स से बिल्कुल यहाँ से, बट हमें क्या है, ये सारी चीज़ें इंडेक्स मेंटेन करना होगा। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर कितना बैक स्पेस दबाएं, 1, 2, तो मतलब 2 इंडेंट आ गए हैं यहाँ पर। तो 2 इंडेंट आगे करने के लिए क्या करेंगे, पूरा सेलेक्ट करेंगे, कहाँ तक सेलेक्ट करना है, जो हमारा एल एफ इक्वल टू 2 था ना, एल एफ सी एच इक्वल टू 2, बस उससे पहले तक, ये रहा, बस यहाँ तक सेलेक्ट करना है। यहाँ तक सेलेक्ट करने के बाद में हमने क्या करा, 2 टैब दबा दिए, 1, 2, ये पूरा करा ग्रीन में क्यों आ रहा है, देखते हैं कौन सा प्रिंट स्टेटमेंट चालू है। अच्छा, इसे यहां से हटा देते हैं, ये मल्टी लाइन प्रिंट जो हमने लगाई थी ऊपर वही चालू थी, इसे बैक स्पेस कर देते हैं, तो ये सारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये सारा कोड नॉर्मल हो गया है, अब क्या करेंगे, इसे बैक कर लेते हैं, और इंपोर्ट रैंडम तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर, ये रहा, तो इसे यहाँ पर हटा देते हैं इंपोर्ट रैंडम को। अब इसी में आपको एडिटिंग करनी है, तो प्लीज़ ध्यान से एडिट करना, प्लीज़ ध्यान से एडिट करना। अगर आप ध्यान से एडिट नहीं करोगे मेरे साथ तो इसमें एरर्स आपको मिलेंगी, क्योंकि ये थोड़ा ध्यान से एडिट करना, अगर आप ध्यान से एडिट करोगे तो कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है।
अगर आप इसे यहाँ पर रन करना चालू करोगे तो ये रन आराम से कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक, तो इस स्टेप का ही वर्क है, बाकी स्टेप्स को कर लेते हैं पहले ताकि ये स्टेप इजीली हो जाए, ताकि आपको लगे कि हाँ प्रोग्राम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा आप में। तो यहां पर सेकंड स्टेप में इंस्ट्रक्शंस जानी है, तो इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं, प्रिंट ऐसे लिया, और ऐसे करने के बाद में जो हमारा इंस्ट्रक्शन पार्ट है उसे कॉपी कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शंस कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में यहां पर लाके कर दिया इसे पेस्ट, कुछ नहीं करा आपने और इतना ही कर दिया। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को आपने यहां पर पेस्ट कर लिया और ये हमारा काम यहां पर इंस्ट्रक्शन वाले एरिया का हो गया, सही में हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया आपका काम इंस्ट्रक्शन वाले सेक्शन का। अगर थर्ड पोर्शन में देखें तो थर्ड पोर्शन में क्या करना है हमें, CH इक्वल टू 3, 3 के अंदर जितना भी डेटा है वो शो कराना, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर 3 प्रेस करोगे तो सारा डेटा आ जाएगा आपका, यही काम करना बस आपको और कुछ नहीं करना। तो इस डेटा को अब भी शो करा सकते हैं बट कोई डेटा नहीं है तो ये हमारा एम्प्टी आएगा, यहां पर हम थर्ड सेक्शन के अंदर गए CH इक्वल टू 3 के अंदर, तो क्या करेंगे सबसे पहले प्रिंट किया, स्टार्टिंग में प्रिंट कर दिया ये, उसके बाद में अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसके बाद में, जो हमारा थर्ड सेक्शन है वो डेटा कहां से आ रहा है ये समझिए पहले, वो डेटा आ रहा है इस क्रिकेट टेबल का। हमारा प्रोग्राम क्या करेगा इस सेक्शन में, जो हमारा क्रिकेट टेबल का जितना भी डेटा है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्रिकेट, जो हमारा क्रिकेट टेबल का जितना भी डेटा है ये सारा डेटा शो हो जाएगा, ये सारा डेटा शो हो जाएगा। तो ये डेटा किस तरह शो होगा, ये डेटा शो करने के लिए आपको सबसे पहले उस सारे डेटा को एक्सेस करना होगा और लूप के थ्रू उस सारे डेटा को शो करा देना होगा, सिंपल वर्ड्स में यही था। अब एक्सेस करने के लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्रिकेट, क्रिकेट में से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्रिकेट फॉर आई इन माई कर्सर। ठीक है, अब फॉर आई इन माई कर्सर करने के बाद में हमें जितने भी वेरिएबल हैं वो सारे अनपैक करने होंगे। यहाँ पर एक टूपल आया होगा जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे ए बी सी डी ई, इस टाइप से बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, तो इन सारे वेरिएबल्स को अनपैक करने के लिए एक इक्वल वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अब ये सारे वेरिएबल्स एक ही के अंदर है, मान लो मैं आपको बताऊँ ये एक लिस्ट है, तो इस लिस्ट को अगर आपको किसी और को देना है, ये एक टूपल है, इस टूपल की वैल्यूज को या फिर लिस्ट मान लो, इस लिस्ट की वैल्यू को अगर आपको किसी और को देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू में इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एफ कॉमा जी, मतलब उतने ही 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उतने ही वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। तो ये सारी वैल्यूज इसके अंदर चली जाएंगी, मतलब ये सारी वैल्यूज उसके अंदर, मतलब इक्वल वेरिएबल्स देने पड़ेंगे, आप समझ गए ना। चलो यार आपको समझाता हूँ, कुछ जने नहीं समझ पाए होंगे, एक्स दबाया पहले इधर इस टाइप से, तो सारी वैल्यूज इधर, मतलब ये वाली वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, ये सेकंड वाली वैल्यू इस सेकंड के अंदर, ये थर्ड वाली वैल्यू इस थर्ड के अंदर, तो ये कॉलम्स हैं, ये फोर्थ कॉलम वाली वैल्यू फोर्थ वेरिएबल के अंदर, फिफ्थ कॉलम वाली वैल्यू फिफ्थ वेरिएबल के अंदर, तो इसी टाइप से होगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर अब वेरिएबल्स देख लेते हैं, तो वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, जितने हमारे कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितने फील्ड्स हैं, 1 2 फील्ड्स 3 4 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 फील्ड्स हैं, तो 5 वेरिएबल्स बना लेंगे, SNO डेट नेम रन स्टेटस, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, तो T_SNO। अब इस वेरिएबल का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैं T_ रख रहा हूँ ताकि मेरी समझदारी के हिसाब से, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, डेट कॉमा T_name T_run T_status 1 2 3 4 5, तो 5 वेरिएबल्स हो गए, अब 5 ही यहाँ पर फील्ड्स थी इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये सारा डेटा किसके पास था, आई के पास, तो ये सारा डेटा इसने इन सबको ट्रांसफर कर दिया। अब जैसे ही ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर करने के बाद में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल ये सारा डेटा प्रिंट करा देना है इसी फॉर्मेट में, जो ऊपर ये फॉर्मेट है ना, ये वाला ये
ये फॉर्मेट है, इसके एज इट इज नीचे प्रिंट करा देना है। अब मान लो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वाले उसमें गया, मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या हुआ, क्वेरी एग्जीक्यूट हुई तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाली लाइन, ये वाला जो डेटा है सीरियल नंबर वन का, ये वाला डेटा हमारा आ जाएगा और ये वाला डेटा की सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी। तो जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा तो इसके अंदर सेकेंड वाला डेटा आएगा, उसके बाद थर्ड वाला डेटा आएगा, मतलब इसी तरह बढ़ता जाएगा, तो फोर्थ वाला। तो लूप के दौरान ही हमें करना पड़ेगा जो कुछ करना है, ठीक। तो यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं, और प्रिंट करने में क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग। अगर आपको ये एफ स्ट्रिंग समझ नहीं आती तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी एफ स्ट्रिंग है, और ये एफ स्ट्रिंग करने को यूज करने का फायदा ये होता है, आप इस तरह प्रिंट स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं जिस तरह मैं करूंगा। अब 1, 2, 3, 4 कितने वेरिएबल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हमारे हमने 5 वेरिएबल्स यहाँ पर यूज कर लिए हैं, और इन 5 वेरिएबल्स के मतलब प्लेस होल्डर्स के अंदर रख देंगे t_snO। गाइज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ प्रोजेक्ट बनाना सिखा सकता हूँ, अगर आपको प्रिंट स्टेटमेंट हो या ये सारी चीज़ें सिखाने लूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आप मेरे पाइथन प्लेस के अंदर बहुत आराम से देख सकते हो, तो देख लेना, ठीक। बाकी आप ऐसी कॉपी कीजिए, आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा। t_snO, t_date, t_name, t_run, t_status, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी रन हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएंगी, और जैसे ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा, मतलब लूप वाइज चलता जाएगा और ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। ऊपर चलते हैं, यहाँ पर बचा हमारा मेन सेक्शन, इसके अंदर वर्क कर लिया तो आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा, कुछ और नहीं बचेगा, ठीक। ये सेक्शन में थोड़ी बहुत ही एडिटिंग करनी है, ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करनी है, आपका प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बन चुका है, सही में बन चुका है। मैं भी रन करके दिखाऊंगा, आप चाहो तो रन कर सकते हो, बाकी तो बन चुका है, ठीक। जैसे ही गेम स्टार्ट होगा, तो गेम स्टार्ट होने के बाद हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले हम क्या चाहते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे मैं आपको, ताकि अच्छे से समझा पाऊंगा। तो जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे क्या होना चाहिए, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में ये हमारा मांगेगा पासवर्ड, अगर पासवर्ड हमने डाला गलत तो ये वापस लौटा देगा, अगर हमने पासवर्ड डाला सही तो ये हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो पहले ये चीज़ करनी पड़ेगी हमें। अगर हम सबसे पहले यहाँ पर गए स्टार्ट में, मतलब सेक्शन वन के अंदर, तो ये इस सेक्शन में आने के बाद हमें क्या पूछना है, एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। एक वेरिएबल ले लिया इनपुट, एंटर योर पासवर्ड, टेक्स्ट दे दिया। अब जो भी कुछ वो यूजर पासवर्ड देगा, उसे हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस वाले पासवर्ड से मैच कर लेंगे। डेटा वाला बेस वाला पासवर्ड कौन सा है, ये वाला पासवर्ड जो हमने यहां पर सेव किया है, ये वाला पासवर्ड जो हमने डेटाबेस के अंदर सेव करा है ना, इसी को हम मैच करेंगे जो यूजर ने डाला है। क्या ये दोनों सही हैं, अगर सही होंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक। तो यही चीज करनी है, वही सेम चीज रिटर्न करेंगे, वही चीज रिपीट करेंगे, डेटाबेस को एक्सेस करेंगे और वहां पर टेबल को का सारा डेटा उठाएंगे, वहां पर मैच करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। करते हैं पास इक्वल टू इनपुट, एंटर योर पासवर्ड, माइकर्स डॉट एग्जीक्यूट, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या सेलेक्ट करना है हमें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्या सेलेक्ट करना है बताओ, लॉगिन, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, यहां पर सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही सेलेक्ट होगा फॉर आई इन माई कर्सर, जो डेटा आया उसे अनपैक कर लेंगे, t_user, t_pass इक्वल टू आई। तो जैसे ही अनपैक करा, अनपैक करने के बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आने के बाद में सिंपल सा इफ कंडीशन लगाएंगे, अगर जो हमारा पास है, जो हमारा पास वेरिएबल है जो यूजर ने दिया है, वो इक्वल है किसके,
जो हमारा टी अंडरस्कोर पास है, जो डेटाबेस वाला पासवर्ड है, अगर इसके इक्वल है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम इसे आगे बढ़ा देंगे वरना तो नहीं बढ़ाएंगे। मतलब ये जो प्रोग्राम है पूरा स्टार्ट द गेम वगैरह वगैरह वगैरह, ये इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा, समझ रहे हो, इस इफ कंडीशन के अंदर आएगा, यहाँ पर, यहाँ से चालू होगा, इस इंटेंट से चालू होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तो इसे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पूरा सेलेक्ट करते हैं वापस, कहाँ तक, वन सेक्शन के अंदर, सेक्शन वन के अंदर, सेकंड सेक्शन में नहीं जाना है, सिर्फ वन सेक्शन के अंदर। इस बात का ध्यान देना है आपको, बस इसी बात का ध्यान देना है बस। सेक्शन वन के अंदर आए, एक टैब दबा दिया, टैब दबाया, तो जैसे ही आपने टैब दबाया, टैब दबाते ही ये एक एक स्टेप आगे बढ़ गया, एक एक टैब आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें पासवर्ड सेक्शन के अंदर आ गई हैं। अब हम चाहें तो इसे रन करके देख सकते हैं, शायद सही से वर्क करेगा। तो हर चीज़ शायद पर बेस होती है, तो रन कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है, तो रन कर लेते हैं। जैसे रन करेंगे तो यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली रन हुआ है अभी तक। अब हम क्या करेंगे, सेक्शंस के अंदर जाते हैं, सेकंड सेक्शन के अंदर जाते हैं, तो ये रहा सक्सेसफुली अच्छे से इंस्ट्रक्शंस हम देख सकते हैं। और थर्ड सेक्शन के अंदर जाएंगे तो सारा डेटा शो होगा। अब डेटा क्योंकि एम्प्टी है तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, सिर्फ ऊपर वाला ये जो हमने प्रिंट स्टेटमेंट था वही आ रहा है, ठीक। अब हम, हमारे पास क्या बचा, अगर हम फोर्थ सेक्शन में जाएं तो वो भी हमारा सही से वर्क कर रहा है। बात क्या बची, फर्स्ट सेक्शन की बस। तो देखा कितनी जल्दी आपका प्रोजेक्ट बन गया, मैंने बहुत अच्छे से समझाया यार। तो प्लीज़ लाइक कर दो, इतना भी बन गया है तो कमेंट कर दो, क्यों, बहुत एफर्ट्स लगते हैं यार, कितनी देर से लगातार बोल रहा हूँ। और इस प्रोजेक्ट को पहले मैंने बनाया, बनाने के बाद प्रैक्टिस हल्का सा, मतलब ताकि मैं अटकूँ ना, और उसके बाद मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ, पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, पूरी एडिट करूँगा, एडिट करने के बाद अपलोड करूँगा। तो एक लाइक और कॉमेंट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो कर दीजिए, ठीक है। और किसी और को बनाना हो तो उस तक शेयर कर देना। तो लॉगिन सेक्शन के अंदर चलते हैं, यहाँ पर हमने डाला पहले कुछ और डाल लेते हैं, DF वापस आ गया, लॉगिन सेक्शन के अंदर गए, NG प्रेस करा, तो यहाँ पर ये आगे बढ़ गया। तो अभी तक प्रोग्राम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। अब बस हमारा एक काम बचा है, सिर्फ एक काम बचा हुआ है, जो ये डेटा है ना, क्रिकेट वाले डेटा के अंदर डेटा जाना चाहिए। हमें रिकॉग्नाइज करना है कि SNO क्या है, हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ये नेम वगैरह ये सारी चीज़ें क्या है, रन क्या है और स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करनी है और सेव करना अच्छे से, ठीक। तो ये काम बचा हुआ है, सबसे पहले हम बात करेंगे SNO की। तो SNO जाएगा हमारा SNO टेबल के अंदर से, ये रहा SNO int not null। तो यहाँ पर हमारी एक टेबल होगी SNO, ये रही ID, ठीक। तो इस टेबल को हमें अपडेट करना है, क्या मैंने इस टेबल को अपडेट किया है, यहाँ पर ये रही SNO टेबल, ये टेबल यहाँ पर हैगी, ठीक है। तो इस टेबल की वैल्यू को उठाकर यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद में हमें उसे अपडेट कर देना, ये हमारा काम है। तो नीचे के साइड चलते हैं, सेक्शन वन के अंदर सबसे लास्ट में, कोई बहुत बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सेक्शन वन के लास्ट में चलो बस आप। सेक्शन टू ये रहा, CH =2, उससे जस्ट पहले एंटरप्राइज किया, एल्स सेक्शन से बाहर आ गए, और ये वाला जो इंडेंटर है, ये वाला, इससे भी बाहर आ जाएंगे। इंडेंट का ध्यान रखना, बार बार कहूंगा इंडेंट का ध्यान रखना, एक बार प्रेस किया बैक स्पेस, दूसरी बार भी बैक स्पेस प्रेस कर दिया, तो ध्यान रखो, मेरे साथ वर्क करने की कोशिश करो, इसलिए मैं बोल रहा हूं मेरे साथ करो, ठीक है। तो इसके पीछे आ गए, ये हमारा कहां पर है, एक सेकंड में चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इंडेंट की गलती सबसे कॉमन होती है और सबसे ईजी होती है होनी। तो हमें लगता है एक टैब और देना पड़ेगा हमें, तो वहां पर एक टैब और दे देते हैं। तो यहाँ एक टैब और दे दिया, तो ये इसके सीक्वेंस में आ गया, ये रहा, ये पूरा एक लाइन पर आ रहा है। तो यहाँ ये पूरा एक लाइन में आ गया है, तो यहाँ हमें अब करना है अपना काम SNO। सबसे पहले क्या करेंगे, SNO वाले टेबल को एक्सेस करेंगे, mycursor.execute select asterisk from SNO for I in mycursor फॉर आई इन माई कर्सर। तो यहाँ पर माई कर्सर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी कॉलम्स हैं, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ कितनी फील्ड्स हैं, अगर मैं दिखाऊँ, हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड है जिसकी फील्ड का नाम है ID, ठीक है। तो इस ID वाली वैल्यू को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो इसका एक तरीका होगा,
हम डायरेक्ट इस टाइप से नहीं कर सकते, जैसे कि अगर मैं बोलूं टी अंडरस्कोर आई डी इक्वल टू आई, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस आई के पास एक पूरा टूपल है और यहाँ पर भी हमारे पास एक वेरिएबल है, तो ये पूरा का पूरा टूपल इस वेरिएबल को दे देगा। बट हमें टूपल नहीं चाहिए, हमें इसकी एक वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग का हम यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम स्लाइसिंग का यूज़ कर लेंगे, तो स्लाइसिंग के अंदर हमें कौन सा इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए जीरोथ इंडेक्स की वैल्यू, तो ऐसा लिख देंगे। ऐसा लिखने के बाद में हम इस वैल्यू को यूज़ कर लेंगे, और यूज़ करने के बाद में जाकर इसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। अपडेट करना हो सकता मैं या बाद में करूँगा इसे, तो अभी अपडेट, अभी पहले वैल्यूज़ का इंतजाम करते हैं। टी अंडरस्कोर आई डी हमारे पास आ गया, तो एस एन ओ की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पर एस एन ओ की वैल्यू हमने यहाँ पर अरेंज कर ली है। अब एस एन ओ की वैल्यू को अरेंज करने के बाद में हमें और क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पर अब हमें चाहिए, कहाँ गया, यहाँ पर हमें चाहिए डेट, डेट भी आ जाएगी, वो तो मैं उसी टाइम बता दूंगा डेट कहाँ से आएगी। और अब बात करते हैं नेम की, डेट हमारी हमारे सिस्टम से आ जाएगी, क्योंकि ये डेट हमारे सिस्टम में होगी ना, तो सिस्टम से आ जाएगी। तो अब बात करते हैं नेम की, ये हम नेम कहाँ से लेंगे दिखाते हैं, ये नेम आएगा यहाँ से, एंटर योर नेम, ठीक है, अब ये नेम आएगा यहाँ से, ये नेम आ जाएगा यहाँ से, तो कहाँ था ये, कौन से वाले में काम कर रहा था मैं, ये रहा वीडियो वाले में, तो यहाँ पर ऊपर चलते हैं, अब यहाँ पर नेम लिख देते हैं, कहाँ पर है देखो दिखाता हूँ कहाँ पर है, ध्यान से थोड़ा ध्यान से, जैसे ही अंदर आएगा पासवर्ड हमारा सही हो जाएगा, तो पासवर्ड के सही होने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से एक एंटर प्रेस करेंगे, तो एंटर प्रेस करने के बाद में जो सबसे पहला इनपुट मांगा आया वो है नेम, एंटर योर नेम, यहाँ पर यह इनपुट हमने यूजर से मांग लिया, तो इसी नेम को हम बाद में यूज कर लेंगे, तो ये नेम भी आ गया। अब यहाँ पर ट्रिकी चीज़ें आने वाली हैं जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा क्या देखना आपको नहीं, ये मेरे लिए ट्रिकी था, तो ये चीज़ें मुझे देखनी थी आपको नहीं देखनी, मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही करना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नेम भी आ गया, अब नेम के बाद में आया हमारे पास रन कितने हुए, और आया हमारे पास स्टेटस क्या हुआ, ठीक है, रन क्या हुआ और स्टेटस क्या हुआ। इसमें हो सकता मैं गलती करूं, क्योंकि ये मैं उस टाइम पर सोच के किया था, मतलब कि कई स्टेप में किया था, मुझसे उस टाइम पर गलती हुई थी, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरा बनाया हुआ नहीं है और मुझे यहाँ पर ढूंढना पड़ता है, अगर मेरा हो तो मैं एक मिनट में कर दूं, लेकिन एक दूसरे के प्रोग्राम में करना थोड़ी सी दिक्कत लगती है, ठीक है। बट सिर्फ आपके लिए मैंने ये तरीका ढूंढा, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े ज़्यादा, ठीक है। रन स्टेटस, तो यहाँ पर रन चाहिए और स्टेटस चाहिए, तो रन भी देख लेते हैं, स्टेटस भी देख लेते हैं। रन कहाँ पर आते हैं हमारे, जैसे ही इनिंग्स एंड होती है तो वहां पर आते हैं हमारे रन्स। फाइनल स्कोर देख रहे हो, फाइनल स्कोर, ये रहा फाइनल स्कोर रन्स। बट यहां पर एक दिक्कत है, यहां पर एक छोटी सी समस्या है, क्या समस्या है, रन्स हमारे दो तरीके से हो सकते हैं। अगर क्या हुआ, हम टॉस जीत गए और हम बैटिंग करते हैं, अगर हम बैटिंग करते हैं स्टार्टिंग में, तो जो रन्स वन वाला वेरिएबल है वो हमारा स्कोर है। अगर जो हमारा कंप्यूटर है वो पहले बैटिंग करता है, तो रन्स वन वाला वेरिएबल उसका वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा, रन्स टू वाला, जो कि आगे होगा, दिखाता हूँ, ये रहा रन्स टू वाला। तो ये चीज़ हमें यहाँ नहीं मिलेगी, तो स्कोर हम यहाँ से नहीं उठा सकते, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ये डिसाइड कहाँ से होगा बताता हूँ। रन्स वन और रन्स टू, देखो यहाँ पे मालूम पड़ेगा रिजल्ट ऑफ मैच, जहाँ नीचे आओ, नीचे आकर देखोगे रिजल्ट ऑफ मैच, तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ क्या है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द मैच, मतलब हम जीते हैं, इसका मतलब जो ज़्यादा रन है, रन वन है हमारे, ये वाले रन है हमारे, तो डिफॉल्ट में जो हम रन ले लेंगे वो रन हो जाएंगे स्कोर, डिफॉल्ट स्कोर ले लिया हमने जीरो स्टार्टिंग में, अगर कोई वैल्यू ना होगी तो जीरो हमारा रहेगा, ठीक है। अब इस स्कोर की वैल्यू हम अपडेट करेंगे यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू वॉन द मैच,
ये हमसे कह रहा है कि आप मैच जीत गए हो, इसका मतलब जो ज्यादा वाले रन है वो हमारे हैं, तो स्कोर इक्वल टू रन्स अंडरस्कोर वन, तो ये हमारे रन है, तो हमने अपने आप को ये रन दे दिए, ठीक है। एल्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम द कंप्यूटर वॉन द मैच, ठीक है। अगर ऐसा ना हुआ, अगर फर्स्ट बैटिंग हमारी ना हुई, अगर यहां पर फर्स्ट बैटिंग हमारी ना होकर किसकी हुई, अगर फर्स्ट बैटिंग हमारी नहीं है, ये बोला अगर अगर हमने पहले बैटिंग करी है तो रन वन हो गए हमारे मार्क्स, वरना तो रन वन है इसके मार्क्स और कंप्यूटर जीत जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्कोर इक्वल टू, तो इस कंडीशन में यहां पर हम मैच हार गए, कंप्यूटर जीत गया है, तो ये वाले रन है कंप्यूटर के और ये वाले रन है हमारे, रन्स टू, तो स्कोर हो गया यहां पर रन्स अंडरस्कोर टू, तो ये स्कोर हो गया ये। उसी तरह सेम इसी तरह देखो देखो ध्यान से, ठीक है, बिल्कुल यही चीज हम यहां पर देखेंगे। थोड़ा सा लॉजिक लगाया मैंने बस, और कुछ नहीं करा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस छोटा सा लॉजिक है। यहां क्या करा है, बैट अंडरस्कोर सेकंड, यहां पर भी हम मैच जीत गए हैं, मैच जीत गए मतलब ज्यादा वाले रन हमारे हैं, तो स्कोर ये वाले रन टू, ये वाले मैक्स है ना, इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो स्कोर इक्वल टू रन अंडरस्कोर टू, ये ज्यादा वाले रन हो गए हमारे, ज्यादा वाले रन हो गए हमारे। अब यहां पर हम मैच हार गए हैं, तो मैच हारते ही कंप्यूटर जीता है, तो यहां पर जो हमारा स्कोर है, हमारा स्कोर है यहां पर रन्स अंडरस्कोर वन, तो जो कम वाला स्कोर हो गया वो हमारा हो गया, ठीक है। तो कोई ना कोई एक कंडीशन तो मतलब कोई ना कोई एक कंडीशन तो ट्रू होगी, या तो हम हारेंगे या जीतेंगे या मैच होगा टाई, तो टाई मैच के दौरान दोनों के जो स्कोर है बिल्कुल सेम रहने वाला है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं रन्स अंडरस्कोर वन, तो जो दोनों का स्कोर सेम होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहां पर नो वन फिल, ठीक। तो हमने यहां पर स्कोर का भी इंतजाम कर लिया है, हमारे कई सारे वेरिएबल्स का काम हो गया, अब क्या बचा देखते हैं। हमें सारे वेरिएबल्स इंसर्ट कराने हैं, तो SNO का इंतजाम हो गया, डेट भी हो जाएगा, नेम भी हमने कर लिया, और यहां पर स्कोर भी हमारा आ गया। अब बात आई हम जीते या हारे, जीते या हारे, तो इस चीज का फैसला भी वहीं से हो जाएगा जहां से हमने ये अपने स्कोर डिसाइड करे हैं। स्टेटस, स्कोर के बाद में स्टेटस लेते हैं, स्टेटस इक्वल टू, क्या स्टेटस हमारा इंट में है, नहीं स्ट्रिंग में ही है, तो ऐसे ले लेते हैं खाली। अब स्टेटस की वैल्यू यहां पर कर देंगे अपडेट, स्टेटस इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम जीत गए तो ये हो जाएगा विन, और नीचे की तरफ हमारा स्टेटस हो जाएगा स्टेटस इक्वल टू लॉस, तो ये यहाँ पर हम हार गए, और इसी तरह सेम वहाँ कर देंगे, सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर भी हम जीत रहे हैं, तो जहाँ जीतेंगे वहाँ पर हमने स्कोर विन, स्टेटस विन कर दिया, और जहाँ हारेंगे वहाँ स्टेटस हमने कर दिया लॉस, तो ये स्टेटस हो गया यहाँ पर लॉस, और जब मैच हो गया टाई, तो स्टेटस भी हो जाएगा टाई, तो ये दोनों, ये तीनों चीज़ यहाँ पर हो गई हमारी, हो गई, तो सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, अब बस डेटा हमें इंसर्ट करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्रोजेक्ट 90% क्या 95% बन चुका है, अब सिर्फ डेटा आपका इंसर्ट करना बाकी है, तो इंसर्ट कर लेते हैं। माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू क्रिकेट वैल्यूज, यहां पर डेटा में इंसर्ट करना है, तो जितने कॉलम्स हैं उन सारा कॉलम्स का डेटा जाएगा यहां से, तो इंसर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा SNO था, तो SNO ये रहा, मैं आपको दिखा लेता हूं यार, कई बार कई बच्चों को समझ नहीं आता, तो सबसे पहला कॉलम है हमारा SNO, और SNO कहां से हमारा आ रहा है, हमारा T_ID से, तो इस वैल्यू को यहां पर लिख देंगे। करने का तरीका क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा प्लस प्लस डबल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा डबल सिंगल प्लस प्लस सॉरी सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, और ये चीजें आपको करते चली जानी है। बट सेकंड वाले सेक्शन में हमारा आएगा डेट, सेकंड वाले सेक्शन में हमारा आएगा डेट, तो यहां पर आपका MySQL का एक फंक्शन यूज होगा जिसे हम बोलेंगे नाउ, नाउ
ये यूज हो गया। यहां पर एक वेरिएबल जाएगा, मैं आपको एक बार बता दूं, स्ट्रिंग से स्ट्रिंग ही कॉन्केटिनेट होता है, इंटीजर कॉन्केटिनेट नहीं होता। तो जो इंट टाइप का डेटा है उसे हमें स्ट्रिंग में करना पड़ेगा, str t_id। उसी तरह तीसरा क्या वेरिएबल है हमारा, तीसरा वेरिएबल है हमारा नेम। तो नेम लिख देते हैं, हमने ऊपर अपडेट कर दिया था नेम, कोमा। चौथा वेरिएबल है रन और पांचवा है स्टेटस। चौथा वेरिएबल है रन और पांचवा है स्टेटस, सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल, रन सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल। ठीक है, तो जो हमारा क्या है रन, रन भी इंट टाइप का str रन, और लास्ट क्या बचा हमारा स्टेटस। तो स्टेटस हमारा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, तो नॉर्मल लिख देंगे स्टेटस। और वैसे भी ये रन वेरिएबल नहीं था, हमने वेरिएबल ऊपर यूज किया स्कोर, स्कोर। ठीक है, तो ये हमारा काम कर जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, mydb.commit हो गया। तो इतना होने के बाद में आपको एक काम मैंने और बोला था, वो हमें करना पड़ेगा, जो हमारी ये SNO की वैल्यू है t_id, मतलब अब की बार 1 आई है, तो नेक्स्ट टाइम हमें क्या वैल्यू चाहिए कि 2। तो इसके लिए हम डेटाबेस के अंदर वैल्यू अपडेट कर देंगे एक नेक्स्ट वाली। ये प्लस 1 रखते हैं और स्टार्टिंग में वैल्यू रखेंगे इसकी 0, ताकि 0 आए 1 हो जाए, फिर 1 आए फिर 2 हो जाए, फिर 2 आए फिर 3 हो जाए। तो स्टार्टिंग में वैल्यू रख लेते हैं इसकी 0, 0 हुई। ठीक है, तो ये यहां पर ही हमने 1 कर दी और 1 करके कर लिया इसे यूज। अब इसी चीज को हम डेटाबेस में स्टोर कर देंगे, mycursor.execute अपडेट SNO सेट आईडी इक्वल टू सिंगल डबल प्लस प्लस डबल सिंगल str। यहां पर क्या हो गया t_id, ये जो वैल्यू थी ना, जो हमारी अपडेट हुई थी, वो हमने बस यहां कर दिया और कुछ नहीं करा। ठीक, तो मेरे हिसाब से हमारा प्रोग्राम बन चुका है बिल्कुल अच्छे से, मैंने सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद इसे मैं रन करने वाला हूं, तो ले भगवान का नाम, जय श्री राम, चल जाए। ठीक है, तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड डाला ng, एंटर योर नेम निशांत, स्टार्ट गेम। तो हेडसेट टेल्स होने वाला है, तो 1 प्रेस किया, चालू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 2 ओवर होने वाले हैं यार, ये तो खाली रहेगी बॉल, देखते हैं क्या होगा। चल गया, चलो 1 विकेट ही नहीं हो गया दे रहा मेरा तो। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर हमारे 2 के 2 ओवर मैंने खेले, अभी बड़ा मजा आया, यहाँ 2 ओवर खेले। वैसे मैंने खेला या एक क्रिकेट, कौन जीता था टॉस, मैंने ध्यान नहीं दिया, टॉस कौन जीता था। ठीक है, ओ माय गॉड, कंप्यूटर ने खेला था, तो मैंने कंप्यूटर ने चूज़ किया 6, तो हमारा मिसमैच हो गया, तो यार कंप्यूटर का स्कोर हो गया 6। ठीक है, तो ये यहाँ पर अभी बैटिंग करी है कंप्यूटर ने, अब मेरी बारी आई है बैटिंग करने की, तो मैं अब यहाँ पर बैटिंग कर लेता हूँ। मेरा गला भी बैठ गया इतने से बोलते बोलते। तो यहाँ 3 दबाया, कंप्यूटर ने 4 दबाया, मेरा स्कोर हो गया 3, क्योंकि मिसमैच हो गया। तो अब इसी तरीके से मैं यहाँ पर दबाता हूँ 7 दबाया, ये सही से नहीं दब पाया, 7 दबाया, 7 दबाया, ये 3 दबाया, 3, ओ सॉरी, ये मैं 7 दबा रहा था, 1 से लेकर 6 तक दबना था, देखा, 1 से लेकर 6 तक दबना था, 7 दबाया इसलिए बार बार आ रहा था, तो 3 दबाया, तो यहाँ पर कंप्यूटर ने भी 3 दबा दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा विकेट आउट हो चुके हैं हम। हमने फिर 1 दबा दिया, 1 दबाते ही यहाँ पर हमारा रन बढ़ गया है और रन हमें 39 चाहिए, तो हम छक्के ही छक्का लगाएंगे अब, 6
हमने फिर से सिक्स लगाया, सिक्स फिर से सिक्स लगाया। अगर गेम देखने का मन नहीं है तो कृपया स्किप कर दीजिए गेम को, फास्ट फॉरवर्ड। तो यहाँ पर गेम चल रहा है, तो रिजल्ट आ गया, फाइनल स्कोर रन्स है 46, विकेट है 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम जीत चुके हैं क्योंकि हमने 66 लगाए ना हर बॉल पर, तो यहाँ पर हम जीत गए हैं। और जीतते ही क्या हुआ, हमने क्या करा, अपने माई स्किल टेबल के अंदर चलते हैं, क्या डेटा हमारा सेव हुआ अच्छे से, यूज जो हमारा डेटाबेस है उसे यूज कर लेंगे। अब हमारा डेटाबेस क्या था, क्रिकेट अंडरस्कोर डीवी 2 हो गया। शो टेबल्स हैंगी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम क्रिकेट, ये देखिए सारा डेटा आ गया है, SN मतलब सीरियल नंबर 2 का, और डेट आ गई, और नेम आ गया, रन्स आ गए, स्टेटस आ गया, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम SNO ID 2, ठीक है, तो ID 2 हो गई, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन, ठीक, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। इसके बाद में अगर आप अपडेट करना चाहें, छोटी मोटी एडिटिंग करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो इसमें आप छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हो। तो ये प्रोजेक्ट मैंने आपको बनवाया ताकि अगर आपके स्कूल में 200-250 लाइंस या फिर 250-300 लाइंस का प्रोजेक्ट मांग रहे हैं और उन्हें प्रोजेक्ट चाहिए अच्छा भी और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो देखकर बहुत आराम से बना सकते हो। मुझे ज़्यादा टाइम लगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई थी। अगर आप खुद बनाते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, मैक्स आप अराउंड 1 घंटे के अंदर बना दोगे इसे, तो बनाकर इसे शो भी कर दोगे। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक सैम्पल वर्ड फाइल मिल जाएगी, आउटपुट के स्क्रीनशॉट वहाँ लगा देना और आप अपने कोड वहाँ पेस्ट कर देना, एज इट इज़ प्रिंट आउट लगा देना नॉर्मल एडिटिंग करके उसमें। अगर फिर भी इतना अच्छे से बताने के बाद भी, इतने सारे वीडियोज अवेलेबल हैं तब भी अगर नहीं बन पाता किसी कारण से, या फिर एमरजेंसी है कोई, या फिर आपके पास लैपटॉप नहीं है, तो उस कंडीशन में आप प्रोजेक्ट को बाय कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, बहुत इजी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सारे कोर्सेज चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करो कि वीडियो कैसी लगी, गला भी बैठ गया तो आप देख लेना। अगर आपको अच्छे से अच्छी लगी हो, बनाना मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कर दो, प्लीज़ कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है एक वीडियो में बनाने में, और जबकि वो वीडियो अगर लंबी हो तो और भी ज़्यादा मेहनत लगती है उसे एडिट करने में और अपलोड करने में। थैंक यू, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टाटा।